सो गाइस क्या हाल है, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस जिसका बजट बहुत ही कम है, मतलब 5 से 6 हज़ार के आसपास है और एक फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि टेक्नो एक नया सीरीज इंडिया पे लॉन्च कर रहा है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 6 हज़ार के आसपास होगा और यहाँ पर एक 5G फ़ोन भी लॉन्च किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में टेक्नो का ये नया फ़ोन के बारे में जानेंगे जो कि सस्ते में आ रहा है, इंडियन मार्केट में कब लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ फीचर्स मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरा सेकंड चैनल पे एक वीडियो आ चुका है वो जरूर से आप चेकआउट कर लेना, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। बाकी गाइस टेक्नो का जो सस्ते वाला फोन आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये टेक्नो का पॉप सीरीज का फोन है। ये जो पॉप सीरीज है ना, आउट ऑफ इंडिया में टेक्नो बहुत पहले ही लॉन्च कर चुका था बट इंडिया में लॉन्च नहीं किया था। पहली बार टेक्नो पॉप सीरीज का पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जो है टेक्नो पॉप 5 LTE के नाम से आएगा। यहाँ पर डिजाइन के बारे में बात करें तो भाई सस्ते में प्रीमियम डिजाइन आपको मिलने वाला है। बैक पैनल देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ट्रिपल रियर कैमरा देखने को लग रहा है बट वहां पर ड्यूल रियर कैमरा है। बाकी आपको टेक्नो का ब्रांडिंग थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, अलग अलग कलर वेंट में मिलता है, वाटर ड्रॉप नॉच वाला फ्रंट आपको व्यू देखने को मिल जाता है। इस पर सर ये बैक पैनल देखने में काफी अच्छा लग रहा है जो ब्लू या फिर इसका कलर में देखने को मिल रहा है। बाकी गाइस फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फोन में आपको जो है 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक FHD+ नहीं होगा, HD+ रेजोल्यूशन होगा, जहां पर IPS LCD पैनल आपको दिया जाएगा, मतलब 720x1600 पिक्सल का आपको रेजोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है और 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा। यहाँ पर 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम रखा जाएगा। इसी के साथ गाइस बात करते हैं रैम और इंटरनल स्टोरेज का, तो 2GB+32GB, मतलब 2GB रैम होगा और 32GB इंटरनल स्टोरेज होगा। इसी के साथ गाइस बात करते हैं कैमरा सेंसर का, तो यहाँ पर आपको ड्यूल रियर कैमरा बैक साइड में मिलेगा जिसमें प्राइमरी लेंस होगा 8 MP, बाकी आपको एक VGA सेंसर या फिर डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, LED लाइट होगा। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को उतना ज्यादा बेहतर नहीं लगा, ठीक ठाक सा है। इसके साथ अगर बात करें बैटरी डिपार्टमेंट का तो यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी होगा और ये मुझे सही लगा क्योंकि यहाँ पर 5000 mAh बैटरी तो होना ही चाहिए। इसी के साथ आपको 10W का चार्जर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको USB Type-C शायद नहीं मिलने वाला है। देखते हैं मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोसेसर का, तो गाइस यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो एक डिसेंट सा प्रोसेसर है, 1900 की तरफ से एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जहाँ पर आप छोटा मोटा गेम खेल सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में जो भी काम होता है जैसे कि फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप वगैरह चलाना चाहते हैं वो चल जाएगा। बाकी यहाँ पर छोटा मोटा गेम भी खेल सकते हैं जैसे कि टेम्पल रन वगैरह ये सब कर सकते हैं, बट हाई ग्राफिक्स में BGMI फ्री फायर जैसा गेम आप नहीं खेल सकते। बाकी गाइस यहाँ पर आपको बैक साइड में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में फेशियल लॉक का सपोर्ट होगा। बाकी यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 होगा और iOS टेक्नो की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स टेक्नो का ये नया सस्ता फोन में आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा टेक्नो पॉप 5 LTE के नाम से आएगा और इसका BIS सर्टिफिकेशन हो चुका है। Amazon पे आपको ये फोन देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। प्राइस मेरे ख्याल से 6000 के आसपास इंडियन मार्केट में रखा जाएगा। बाकी टेक्नो जो 5G फोन लॉन्च करा है वो टेक्नो पोवा 5G के नाम से आएगा, यहाँ पर पोवा सीरीज का फोन होगा और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, काफी सारा वीडियो चैनल पे है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी में ही ये फोन लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पर इसमें आपको MediaTek Dimensity 900 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको एक FHD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल होगा और इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं रैम और इंटरनल स्टोरेज का, 8GB 128GB यहाँ पर LPDDR5 और UFS 3.1 का सपोर्ट होगा, 6000 mAh बैटरी, 18W का फास्ट चार्जिंग और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और यहाँ पर 50 MP का कैमरा सेंसर होगा और 16 MP का सेल्फी कैमरा होगा। तो ये कुछ फीचर्स आपको टेक्नो का पहला 5G फोन में देखने को मिलेगा, ये भी जनवरी में लॉन्च हो रहा है। तो ये दो नया फोन जो है इंडियन मार्केट में आ रहा है और स्पेशली टेक्नो का जो पॉप 5 LTE आ रहा है उसका प्राइस इंडिया में कितना होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत जल्द आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये था दो नया फोन टेक्नो की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है, मुझे आपको बताना था कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। बाकी सेकंड चैनल का वीडियो जरूर से चेकआउट करना, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।